हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑन स्प्राइ। लास्ट वीडियो में आपने स्क्रैच किस तरह से डाउनलोड करना है वो सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्प्राइट के बारे में। सबसे पहले आप स्क्रैच ओपन करेंगे। स्क्रैच एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कोडिंग स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग सीखने का बहुत अच्छा है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए एक बिगनर के लिए है कि वो किस तरह से गेम्स, एनिमेशंस और इंटरैक्टिव स्टोरीज बना सकते हैं। तो इसमें उन्हें करेक्टर इंसर्ट करने के लिए स्प्राइट की नॉलेज होनी चाहिए। स्प्राइट एक्चुअल में क्या है? ये जो आपको दिख रहा है वाइट एरिया, दैट इज स्टेज। ये एक स्टेज है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो स्क्रैच की विंडो है, इसको हम तीन पार्ट में समझेंगे। स्क्रैच की ये जो लेफ्ट साइड में विंडो है, इसे बोलते हैं कोडिंग एरिया। यहाँ पे सारे कोड्स हैं जो कि प्री डिफाइंड कोड है, जैसे मोशन के लिए कोड है, लुक के लिए कोड है, साउंड के लिए कोड है, इवेंट अगर क्रिएट करना है, ब्लॉग बनाना है उसके लिए कोड है, कंट्रोलिंग के लिए कि कहाँ से शुरू के कहाँ तक खत्म हो, जो हम इफ बट एल्स वाले सिस्टम्स हैं। फिर सेंसिंग के लिए कि टच करे तो क्या करें, स्पेस बार माउस की को वर्क करना है, ऑपरेशन अगर ऑपरेटर यूज करना है तो किस तरह से वर्क करेगा, वेरिएबल्स कैसे वर्क करेंगे, एंड आप अपना ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको एक एक करके मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियोस जो बनाती रहूँगी तो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि किस तरह से वर्क करेगा। इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स भी हैं कि हमारा जो स्प्राइट है, हमारा जो करेक्टर है। स्प्राइट क्या होता है? स्प्राइट कोई भी करेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि आप स्क्रैच के प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे ये कैट है। कैट के अलावा आप एनिमल्स भी हो सकते हैं, पीपल्स भी हो सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्राइट। स्प्राइट वर्क कैसे करता है? सबसे पहले आपको सीखना है कि मैं स्प्राइट को ऐड कैसे कर सकती हूँ। इस समय हमारे इस वाइट स्टेज में, चलो इसे बैकड्रॉप डाल देती हूँ मैं। बैकड्रॉप मतलब पीछे का स्टेज का जो भी हम डाल दें। तो इस स्टेज के ऊपर एक ही करेक्टर है, अब मुझे एक और करेक्टर ऐड करना है, तो मैं स्प्राइट पे क्लिक करूंगी। आपके राइट हैंड साइड में बिलो में देखिए ये बटन दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करके चूज अ स्प्राइट। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बैलून लेती हूँ, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो स्प्राइट को ऐड कैसे करते हैं? ऐड स्प्राइट बटन पे क्लिक करके स्प्राइट ऐड हो जाएगा। फिर स्प्राइट को एडिट कैसे करते हैं? एडिट करते हैं, आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो। स्प्राइट पे अगर आप क्लिक करोगे और पेंट पे क्लिक करोगे तो आप इस पर्टिकुलर स्प्राइट पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप इसका साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो और इसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ये बटन्स दिए हुए हैं, तो आप ये देखिए मैं इसे कलर में भी चेंजेस ला सकती हूँ। पहले आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यू कैन चेंज द कलर। ओके, तो आप कुछ काफी चेंजेस इसमें कर सकते हैं। क्रिएट योर ओन स्प्राइट। अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर स्प्राइट नहीं चाहिए, मैं एक अपना ही स्प्राइट बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब हम वापस आते हैं अपने स्टेज की तरफ। तो यहाँ पर हम स्प्राइट में जाएंगे, अपना ही कोई स्प्राइट बनाना है तो मैं पेंट पे जाकर अपना स्प्राइट क्रिएट कर सकती हूँ। मैं ब्रश लूँगी और ब्रश की यूज से, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, या आप शेप टूल ले लीजिए, तो शेप टूल की हेल्प से आप कोई भी स्प्राइट खुद का क्रिएट कर सकते हैं कलर्स यूज करके। दैट डिपेंड अपॉन योर ड्राइंग, आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करते हो। तो आप अपना स्प्राइट भी, यू कैन क्रिएट योर ओन स्प्राइट्स टू। ओके, और आप ये देखिए स्प्राइट की जो साइज है, आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि आपका स्प्राइट शो करे तो यहाँ पर है, शो नहीं करना चाहते, हाइड करना चाहते, ठीक है, स्प्राइट का साइज छोटा करना चाहते।
तो आपने देखा कि किस तरह से आप अपना एक स्प्राइट क्रिएट कर सकते हो और आप उसका टेक्सचर वगैरह सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। अब स्प्राइट को अगर मूव करना है तो उसके लिए आप ये मोशंस, लुक्स, इन सब कोडिंग्स का ये यूज करके भी इस पे वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्प्राइट्स को क्या कहते हैं, अब जैसे हमारी ये स्प्राइट है, ठीक है, इसको अगर मैं मूव कराना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से लूँगी, मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगी ये 10 स्टेप्स आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम नई नई गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी गेम्स अपलोड करूँगी जिनसे आप गेम्स क्रिएट करना सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल।